हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जर्नी है परभनी जंक्शन से हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान में। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरी वॉच करें ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके परभनी जंक्शन से हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान में इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो फाइनली हमारी ट्रेन परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्च हो चुकी है। और आप लोगों को पता ही है परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन में लगभग एक महीना पहले ही जो तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और वायरिंग भी जो तो यहां पर लगा दी गई है। इस वक्त हमारी ट्रेन पिंगली और परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान में चल रही है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं पिंगली और परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान में भी वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और वायरिंग भी जो तो ऊपर तकरीबन लगा दी गई है परभनी और पिंगली रेलवे स्टेशन के दरमियान में। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन पिंगली रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है। स्लोली हमारी ट्रेन पिंगली रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन गुजरी है पनवेल से नांदेड़ के दरमियान में चलने वाली पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस, जो कि हमारी ट्रेन से आगे चल रही है। इसलिए हमारी ट्रेन को पिंगली रेलवे स्टेशन से स्लोली स्किप किया जा रहा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिंगली रेलवे स्टेशन में भी 100% वायरिंग लगाने का काम कंप्लीट हो चुका है और जो काम रिपेयरिंग का बचा हुआ था वो भी काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है पिंगली रेलवे स्टेशन में। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन मिर्खिल रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है। मिर्खिल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में से हमारी ट्रेन स्लोली स्किप हो रही है क्योंकि मेन लाइन के अंदर मालगाड़ी खड़ी होने की वजह से हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से
स्लोली स्किप किया जा रहा है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, पिंगली रेलवे स्टेशन से तो मिथिल के दरमियान में भी वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। इसी के साथ जो तो मिथिल रेलवे स्टेशन में भी जो तो वायरिंग लगा दी गई है, लेकिन अभी तक ये वायरिंग का जो है तो रिपेयरिंग का काम बचा हुआ है। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में इंटर होने वाली है। और जिस वक्त हमारी ट्रेन पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में इंटर हो रही थी, उस वक्त हमने देखा कि पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन में काफ़ी टाइम से जो है तो पोल्स को लगा दिया गया है और पोल्स को लगाकर सेट भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है तो यहाँ पर भी वायरिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था उस टाइम पे भी पोल्स लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर वायरिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया था। और इस बार भी जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर भी जो है तो अभी तक कहीं पर भी जो है तो वायरिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया है, और बहुत सारे जो है तो पोल्स अभी तक प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किए गए हैं पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन में बहुत सारे जो तो यहाँ पर पोल्स लगा दिए गए हैं, बड़े छोटे दोनों भी पोल्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इन पोल्स के ऊपर जो तो वायरिंग वगैरह लगाई नहीं गई है। फाइनली हमारी ट्रेन पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में इंटर हो चुकी है। पंद्रह मिनट के स्टॉप के बाद फाइनली हमारी ट्रेन को पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से भी डिपार्चर का सिग्नल मिल चुका है।
ये जो ट्रैक जा रही है, ये जा रही है वाशी महंगोली अकोला के लिए। इस लाइन में जो तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक इस लाइन में जो है तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ट्रायल नहीं लिया गया है। पूर्णा से हिंगोली रेलवे स्टेशन के दरमियान में, हिंगोली से अकोला के दरमियान में ट्रायल हो चुका था, और एक कोई तो इंटरसिटी ट्रेन है उसमें शायद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी दिया गया है। इस वक्त हमारी ट्रेन पूर्णा और चुड़ावा रेलवे स्टेशन के दरमियान में चल रही है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णा और चुड़ावा के दरमियान में भी अभी तक कहीं पर भी जो तो फाउंडेशन का काम स्टार्ट नहीं किया गया है। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन चुड़ावा रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है, और जिस वक्त हमारी ट्रेन चुड़ावा रेलवे स्टेशन के करीब बढ़ रही थी उस वक्त हमने देखा कि बहुत सारे जो तो पोल्स लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इन पोल्स को जो तो प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किया गया है फाउंडेशन के अंदर। फाइनली हमारी ट्रेन चुड़ावा रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चुड़ावा रेलवे स्टेशन में बहुत सारे जो तो पोल्स स्टॉक में लाकर रख दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इन पोल्स को जो तो चुड़ावा रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं लगाया गया है। इस वक्त हमारी ट्रेन चुड़ावा और लिमगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान में चल रही है, तो आप लोग देख सकते हैं चुड़ावा और लिमगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान में बहुत सारी जगह जो है तो पोल्स लगा दिए गए हैं, और बहुत सारी जगह जो है तो अभी भी पोल्स लगाना बाकी है, लेकिन जो पोल्स लगा दिए गए हैं वो पोल्स को सिर्फ लगा कर रख दिया गया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी तक उसको सेट नहीं किया गया है। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन लिमगांव रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है। फाइनली हमारी ट्रेन लिमगांव रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिमगांव रेलवे स्टेशन के बाहर जो है तो पोल्स लगा दिए गए हैं, और कुछ पोल्स को लगाकर सेट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है तो लिमगांव रेलवे स्टेशन के अंदर कहीं पर भी जो तो आप लोगों को पोल्स लगे हुए नज़र नहीं आएंगे, और ना ही तो फाउंडेशन के अंदर खड़े किए नज़र आएंगे। बस ये दो बड़े पोल्स लगा दिए गए हैं, लेकिन इन दो पोल्स को ही सेट किया गया है, बाकी बहुत सारे जो तो पोल्स यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएंगे स्टॉक में रखे हुए, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इस वक्त हमारी ट्रेन लिमगांव और वनेगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान में चल रही है, यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी फाउंडेशन का काम स्टार्ट किया हुआ नज़र नहीं आया है, और ना ही तो यहाँ पर कोई फाउंडेशन बनाया गया है, आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन वनेगांव रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारी ट्रेन वनेगांव रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। लगभग 2 या 3 महीने पहले भी जब मैंने यहां पर वीडियो शूट की तो यहां पर तकरीबन जो तो फाउंडेशन का काम कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक यहां पर भी पोल्स वगैरह लगाए नहीं गए हैं वनेगांव रेलवे स्टेशन में।
फाइनली हमारी जर्नी का लास्ट डेस्टिनेशन हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन आ चुका है और हमारी ट्रेन हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में इंटर हो रही है। और पीट लाइन में आप लोगों को जो ट्रेन खड़ी नजर आ रही है वो ट्रेन है हुजूर साहेब नांदेड़ से हजरत निजामुद्दीन के दरमियान में चलने वाली मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी हुई है। तो फाइनली हमारी ट्रेन हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में इंटर हो चुकी है और हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन की हम स्पेशल वीडियो शूट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितना हुआ है। तो ये थी आप लोगों के लिए परभनी से हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान में इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।